सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखें क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके फ़ोन की जो गैलरी होती है वहाँ से आपके कोई फ़ोटो या वीडियो डिलीट हो जाती है तो कैसे आप फिर से उसे रिस्टोर कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लोगों को ये दिक्कत रहती है कि उनके फ़ोन में काफ़ी ऐसी फाइल होती हैं जैसे फ़ोटो या वीडियो जो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, और बाई मिस्टेक कभी क्या होता है कि उनकी फ़ोन गैलरी होती है वहाँ से वो फ़ोटो या वीडियो डिलीट हो जाते हैं, तो कैसे आप उन्हें फिर से रिस्टोर कर सकते हो। मेरे एक फ्रेंड ने मुझसे पूछा था कि उसके फ़ोन से एक फ़ोटो डिलीट हो चुका है उसकी गैलरी से, और वो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ़ोटो है, तो वो उसे कैसे डाउनलोड कर सकता है। दोस्तों मैं सोचा कि इसी टॉपिक पर वीडियो बनाता हूँ क्योंकि ये प्रॉब्लम काफ़ी लोगों को रहती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊँगा जिससे आप अपने डिलीट किए हुए फ़ोटो या आप उसे खुद डिलीट करते हो या गलती से हो जाता है आपकी गैलरी से, तो कैसे आप फिर से उसे डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें जिससे आप समझ सको कि आपको क्या टिप्स अपनानी है। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पहली बार आए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें, इससे मैं कोई और वीडियो यूट्यूब पर डालूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों काफ़ी लोग हैं जो जब कहीं घूमने आते हैं या किसी प्रोग्राम में आते हैं तो वहाँ की जो अच्छी अच्छी पिक्चर होती हैं वो अपने फ़ोन में सेव कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों बाई मिस्टेक क्या होता है कि कभी गलती से उनके फ़ोन से वो फ़ोटो डिलीट हो जाती हैं और उन्हें बहुत दुख होता है क्योंकि दोस्तों वो फ़ोटो फिर से उनके पास नहीं आ पाती। दोस्तों ये परेशानी जो होती है काफ़ी लोगों को फेस करनी पड़ती है, मेरा एक दोस्त है उसको ये परेशानी फेस करनी पड़ी थी। तो दोस्तों मैंने सोचा इसी टॉपिक पर वीडियो बनाता हूँ जिससे काफ़ी लोगों को हेल्प मिल सके। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप बिना किसी एप्लीकेशन की मदद से अपने फ़ोन में डिलीट किए हुए फ़ोटो वापस ला सकते हो बिना किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, क्योंकि दोस्तों मैंने यूट्यूब पर काफ़ी वीडियो देखी हैं जिनमें ये बताया गया है कि अगर आप इसे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे तो आपके फ़ोटो वापस आ जाएंगे। और दोस्तों उसमें क्या होता है, मैंने कई एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी देखी हैं कि जब आप उस एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे जो आपको बताई गई हैं तो उसमें सिर्फ वही फ़ोटो दिखाए जाएंगे जो आपके फ़ोन में पहले से सेव हैं, ना कि वो फ़ोटो दिखाए जाएंगे जो आपने डिलीट कर दिए हैं। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसा तरीका लेकर आया हूँ कि आपको किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने फ़ोन से ही डिलीट किए हुए फ़ोटो वापस ला सकते हो। तो दोस्तों आज के टाइम में काफ़ी लोग हैं जो सैमसंग का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं क्योंकि सैमसंग हमें कम रेंज में काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर दे रहा है। तो जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ जो उन्हीं लोगों के लिए जो सैमसंग का फ़ोन यूज़ करते हैं, सैमसंग के जो लेटेस्ट डिवाइस आ रहे हैं उनमें एक फंक्शन आना शुरू हो गया दोस्तों जो काफ़ी लोगों को पता नहीं है, जिसमें हमें दोस्तों एक फंक्शन मिलता है कि अगर आपके फ़ोन से कोई फ़ोटो डिलीट हो जाता है या कोई वीडियो डिलीट हो जाती है तो आप उसे फिर से रजिस्टर कर सकते हो, फिर से वापस ला सकते हो, या फिर आप उसे परमानेंट डिलीट करना चाहते हो तो आप उसे परमानेंटली डिलीट कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको लाइव दिखाऊंगा जिससे आपको समझ में आ सके कि आपको क्या तरीका अपनाना है और कौन सा ऐसा फीचर है जो आपको अपने फ़ोन में अप्लाई करना है। तो दोस्तों मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पर ले आऊँगा, लाइव दिखाऊँगा, तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। दोस्तों ये ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ जिससे उन लोगों के लिए है जो सैमसंग का डिवाइस यूज़ करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में गैलरी को ओपन करना है। अब देखिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि आप अपने फ़ोन में से डिलीट किए हुए फ़ोटो कैसे वापस ला सकते हो। तो ये देखिए दोस्तों मेरे यहाँ में चार फ़ोटो हैं, मैं इसे आपको डिलीट करके दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों डिलीट कर रहा हूँ मैं इसे, अब देखिए दोस्तों मेरे फ़ोन से फ़ोटो डिलीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, आपको बैक आना है। अब यहाँ पे आपको दोस्तों थ्री डॉट दिख रही होंगी, आपको उस थ्री डॉट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा रिसाइकल बिन का, आपको उस पर क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे साफ शो हो रहा है कि जब भी आप अपनी गैलरी से कोई फ़ोटो डिलीट करते हो, चाहे वो बाई मिस्टेक डिलीट हो या खुद कर रहे हो, तो वो फ़ोटो आपके इस फ़ोन में इस ऑप्शन में आके सेव हो जाता है और ये यहाँ पे 15 दिन तक सेव रहेगा, 15 दिन के बाद वो यहाँ से परमानेंट डिलीट हो जाएगी। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपके फ़ोन से अगर बाई चांस वहाँ से वो फ़ोटो डिलीट हो चुका है तो आपको यहाँ पर वो मिल जाएगा इस ऑप्शन में आके, आपको फिर से यहाँ पर फ़ोटो पर क्लिक करना है। अब नीचे देखिए दोस्तों यहाँ पर रिस्टोर का जो लोगो आ रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। अब ये फ़ोटो यहाँ से फिर से आपकी गैलरी में सेव हो चुका है, ये देखिए दोस्तों फिर से आ गया। तो दोस्तों ये सैमसंग का एक काफ़ी अच्छा फीचर है कि अगर आपके फ़ोन से कोई फ़ोटो यहाँ से डिलीट हो जाता है इस तरह से, तो दोस्तों यहाँ पर भी शो होता है कि मूव टू रिसाइकल बिन, लेकिन दोस्तों क्या होता है कि जब हम डिलीट पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद हम ध्यान नहीं देते कि उसके बाद क्या लेकर आता है, हम ये समझते हैं कि फ़ोटो डिलीट हो चुका है।
तो उसके बाद जब हम डिलीट करते हैं तो जो फाइल जो होती है रिसाइकल बिन, इसमें जाके सेव हो जाता है, मूव हो जाता है। हमें लगता है काफ़ी लोग होते हैं जो इस पर ध्यान नहीं देते, उन्हें लगता है कि फोटो डिलीट हो चुका है। तो आप इसी तो दोस्तों आप इसी तरीके को अपना कर अपने डिलीट किए हुए फ़ोटो या वीडियो को वापस ला सकते हो। और आपको अगर परमानेंट डिलीट करना है कोई फ़ोटो तो आपको क्या करना है, ये देखिए दोस्तों आपको क्या करना है कि आपने यहाँ से फ़ोटो डिलीट कर दिया, ये आपके रिसाइकल बिन जो फोल्डर है उसमें चला जाएगा। यहाँ से आपको अगर डिलीट हो चुका है, अब आपको सब परमानेंट डिलीट करना है दोस्तों फ़ोन में से, तो आपको यहाँ पे थ्री डॉट पे आना है दोस्तों। अब आपको यहाँ पे रिसाइकल बिन फोल्डर पे आना है। अब यहाँ से आपको उसे फिर से क्लिक करके रखना है। अब यहाँ पे फिर से ऑप्शन आना है डिलीट का। जब आप इसे डिलीट कर दोगे तो ये दिखा रहा है दोस्तों कि इमेज विल बी परमानेंटली डिलीट, यानी कि अगर आप इसे डिलीट करते हो तो ये परमानेंट डिलीट हो जाएगा आपके फ़ोन से, फिर से वापस नहीं आएगा। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा फीचर है। अगर आप सैमसंग का फ़ोन यूज़ करते हो तो आप इस फंक्शन का लाभ उठा सकते हो, क्योंकि दोस्तों ये फंक्शन सिर्फ सैमसंग के फ़ोन में आ रहा है, जो कि सैमसंग के रिलेटेड डिवाइस हैं दोस्तों उनमें ही आ रहा है। तो काफ़ी लोग सैमसंग का फ़ोन चलाते हैं, उनको ये पता नहीं होता कि उनके फ़ोन से अगर बाई चांस फोटो डिलीट हो जाता है या कोई वीडियो डिलीट हो जाती है तो कैसे उसे वापस लाएँ। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा फीचर है, ऐसे आप ट्राई करके देखें, या फिर अगर कोई फ़ोटो ऐसा है जिसे आप डिलीट करना चाहते हो लोगों की नज़र में, तो आप जी तरीका अपना सकते हो। यहाँ से जाकर आप फ़ोटो सेलेक्ट करके उसे डिलीट कर दो, लोगों को लगे डिलीट हो चुका है, और आप बाद में फिर से उस फोटो को रिस्टोर कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा कि कैसे आप अपने फ़ोन से डिलीट किए हुए फ़ोटो वापस ला सकते हो, आपको क्या तरीका अपनाना है और कौन सा ऐसा फंक्शन है जो आपको अप्लाई करना है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।